चाहता है? आज रोशनी की किस्मत उसे चकमा जरूर देगी। मैं भी देखूंगी कि ये रिश्ते को कौन बचावे। देखो रोशनी, आप खामखा अपने मन में डर को जगह दे रही हैं। आप ये कर सकती हैं, एंड ये बात मुझसे अच्छा आप जानती हो। तो दू। हाँ हाँ चलेबी बोल। मार्किन बधाई हो, मार्किन बधाई हो। मार्किन, वो छोटे साहब ने ना रोशनी पे बंदूक तान दी, वो भी उसके भेजे पर। अब आपका सपना पूरा हुआ मार्किन, पूरा हुआ। ये हुई ना बात। सबके सब बाहर निकलो। चलो चलो बाहर निकलो सब। चलो कमरा खाली करो, बहुत हो गया था मजा। चलो चलो बाहर। सर सर सर, हमें भी निकलना चाहिए सर। मैं कहीं नहीं जा रहा। अरे सर, नहीं मेरी बात तो सुनो रोशन। ए मास्टर, मना किया था ना नाम लेने से। चल निकल यहां से, तुझसे तो मैं बाद में। सब खत्म कर दिया तूने रोशनी, सब खत्म कर दिया। दिल एकदम चुप। अरे चल चल ना चल। ये सब क्या है? इस गुंडागर्दी के खिलाफ हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। आई अग्री मिस्टर भाट। Just one second. मुझे अंदर जाने दो, it's important, please. अरे मास्टर जी बोला ना अंदर। भाई जी मीटिंग चालू है, कोई तीसरा ना जा सके अंदर। फाइन बिट्टू, पुलिस को फोन करो, अब वही अंदर जाएंगे। ओके सर, अभी बुलाता हूँ। ओए बावला मत बन, इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस को बुलावेगा? तन नहीं जूते पड़ेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? नील ने अंदर रोशनी पर बंदूक तानी हुई है, एंड तुम कह रहे हो छोटी सी बात, अगर उसने बंदूक चला दी तो। अरे मास्टर जी क्यों खून जला रहे हो अपना? अगर भाई जी रोशनी जी को मारना चाहेंगे पुलिस क्या रुक पाएगी उनको? अंदर जाने की गलती मत करना। शांति से साइड में बैठ जाओ। आकर्ष ये सब क्या है? This is very insulting. अरे मास्टर जी अपने इस अंकल को ना आप ही शांत कर दो, वरना मने मेहनत करनी पड़ेगी ना। सर सर सर, आई एम रियली सॉरी। ये तरफ आइए प्लीज, आइए प्लीज, आइए प्लीज। देखिए आई हैड नो आइडिया ऐसा कुछ भी हो जाएगा, सो प्लीज फॉरगिव मी। नो आकर्ष, ये कोई मामूली बात नहीं है। अंदर एक गुंडा है और उसके हाथ में गन है, और अगर किसी ने देख लिया ना तो मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? यस जजेस, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये लड़का ना बड़ा डेंजरस है, और इसको मैं आज से नहीं बहुत पहले से जानती हूँ। और जिस लड़की को आप जिताना चाहते हैं ना, इस लड़की के ताल्लुकात उस लड़के से है। फिर भी आप उस लड़की को जिताओगे? और वैसे भी आप मेरी लड़की को पसंद करते हैं। नीलम फॉर गॉड सेक अभी ये सब मत शुरू कीजिए। Mr. Bhatt, just a moment. Ma. Haan.
लाल बत्ती बंद हो गई। डॉक्टर कैसा मेरा भाई, ठीक है ना? देखिए ऑपरेशन ठीक हो गया है, जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते। सुरेंद्र भाई आ गया। सुरेंद्र तू ठीक तो है ना? बेटा हिम्मत रखना, सब ठीक हो जाएगा। अरे मेरा वार ठीक हो गया। अच्छा पूरा हॉस्पिटल में मिठाई बिठवा दा। रोशनी रोशनी कहाँ है? रोशनी पूरी है मेरी, मैं तुम्हें मार ना सकूं, क्या करूं? खुद को मार लूं? नहीं लूटा, मेरी गलती की सजा खुद को मत दे। तू खुद कहता है ना कि तू मुझ पे भरोसा करता है, तो नहीं उस भरोसे के नाते एक बार मेरी बात सुन ले, सिर्फ एक बार। भरोसा तोड़ दिया तूने मेरा भरोसा रोशन, तेरा मुझ पे कोई हक ना है। माफ कर देगा, तू आज मेरी आंखों में देख के बोल कि तू मुझे माफ नहीं कर सकता। अगर आज मैंने तन्ने माफ कर दिया तो मैं खुद ने माफ ना कर। तू कहता है ना कि मैं तेरे हाथों की लकीर हूँ, हमें किस्मत भी अलग नहीं कर सकती, फिर आज आज की वजह कब कैसे करवट बदल ले? बस यहीं तक ही जुड़ी थी, आज छोड़ दिया किस्मत ने साथ हमारा। रोशनी हाँ पैसों के लिए एक बार मैंने बोल देती ना
और मैं खराक बचाने दूड़े पैसे दे देता, तन्ने नाचने की जरूरत ना पड़ती। इतने पीसों से ज्यादा तो ना होगी ना तेरे नाचने की कीमत रोशनी। नील, तू ऐसे कर भी कैसे सकता है? तू बोल कैसे गया? मैं तेरी रोशनी हूँ, मैं तेरी रोशनी हूँ नील, तेरी रोशनी, तेरी रोशनी हूँ। तेरी रोशनी हूँ नील, अपनी रोशनी के लिए मत जा नील, हमारे प्यार के लिए मत जा नील। रोशनी छोड़ दे मन्ने। नील रुक जा, नील मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, तेरे बिना मैं अपनी जिंदगी के लिए सोच पे नहीं सकती, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूँ नील, प्लीज वापस आ जा नील। देख, तेरे साथ के लिए मैंने तेरे देवर झुमके भी पहने हैं, तेरे बिना मैं सच में कुछ नहीं हूँ, वापस आ जा। मैंने उस रोशनी को दे जो नील का भरोसा थी, उस रोशनी को जो ये झुमके सिर्फ मेरी नजरों के लिए पहनती थी, सिर्फ मेरी नजरों के लिए। और तूने क्या किया? तूने मेरे झुमकों का तमाशा बना दिया रोशनी। पर एक बात याद रखियो, नील चौधरी का तमाशा कोई ना बना सके, रोशनी भी नहीं, रोशनी भी नहीं, रोशनी भी नहीं। रुक जा नील, रुक जा नील, रुक जा, मत जा नील, छोड़ दे मन्ने, नील रुकना, मैं कह रहा हूँ छोड़ दे नील, छोड़ दे मन्ने, रोशनी मत जा नील, मत जा नील, रुक जा, मत जा नील, नील अपनी रोशनी को छोड़कर मत जा नील। मिस्टर जयसिंह, हम लोगों ने आपस में डिस्कस करने के बाद आज का विजेता चुन लिया है। जी हाँ, हमें ट्विंकल का परफॉर्मेंस अच्छा लगा। मार्किन, बधाई हो, आपने जंग जीत ली है। जलेबी, जलेबी,
आज तन्ने मरने सबसे बड़ी खुशी दे दी है। मांग, तन्ने जो चाहिए तू मांग। आज यो कल्याणी ना नहीं कहेगी। पर सुन, तू ना तू वहीं रही हो, जब तक रोशनी वहां से हिले ना, तू वहां से हिलियो मत। मैं भी तो जरा देखू रोशनी अब करेगी के। ठीक है। रोशनी कहां है? मिस्टर जयसिंह। मिस्टर जयसिंह, हम लोगों ने आपस में डिस्कस करने के बाद आज का विजेता चुन लिया है। जी हाँ, हमें ट्विंकल का परफॉर्मेंस अच्छा लगा। उसमें डांस का हुनर है। देख, उसमें वो ग्रेस है, वो टैलेंट है, वो हर एक बात जो एक सक्सेसफुल डांसर में होनी चाहिए। उन्होंने कहीं लोगों ने ट्विंकल को तो, और इसलिए मेरे लिए विनर तो ट्विंकल ही है। या ट्विंकल में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन लेकिन इस कंपटीशन में एक अच्छा डांसर होना जरूरी नहीं है। यस, डांस तो अच्छा बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन जो दिल से करे उसकी तो बात ही अलग है। और डांस के लिए वो पैशन, वो पागलपन हमें ट्विंकल से ज्यादा। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये कॉम्पिटिशन सिर्फ मेरी बेटी जीतेगी। जिस लड़की को आप जिताना चाहते हैं वो तो डिजर्व ही नहीं करती है। उसने डांस के लिए डांस नहीं किया, सिर्फ पैसों के लिए डांस किया है, इस प्राइज मनी के लिए डांस किया है जो इस विनर को मिलने वाला था। प्राइज मनी? इस राउंड के लिए तो कोई प्राइज मनी नहीं था। हाँ जजेस, देयर वाज नो प्राइज मनी। मैंने वो प्राइज मनी की बात इसलिए फैलाई थी क्योंकि मैं चाहता था कि करनाल के लोग एटलीस्ट पैसे के लालच में घर के बाहर तो कदम तो रखे। ये प्राइज मनी मैं अपने पैसों से देनवाना हूं। एनीवेज, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने सही फैसला किया। ट्रस्ट मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जज। बिट्टू, इन्हें रिफ्रेशमेंट्स के रूम में लेके जाओ। ओके सर। थैंक यू। रो ले रोशनी, जितना भी रोना है, क्योंकि सही भी है तेरा रोना, क्योंकि तुझे नील पड़ा है खोना। और वैसे भी थारी जगह ना मन्ने मिलने वाली है। आकर्ष बापू जी ने भी छोटे साहब की जगह ले ली है, तो फिर हमारा काम तो फिनिश। बाय बाय। बहुत छोटे शहर करनाल से हूँ, यही रहूंगी हमेशा, यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। आपका ये एहसान तो मैं कभी नहीं चुका सकती, पर हमारा साथ यही तक का था। रोशनी, ठीक तो है ना? ठीक नहीं हूं मैं।
कुछ भी ठीक नहीं है। नील चला गया, उसने मुझे एक बार भी पलट के नहीं देखा। उसने एक बार भी मुझे पलट के वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। लेकिन क्यों, ये गलती आपकी नहीं हालात की है, आप खुद को दोषी क्यों मान रही हैं? एक बात बताइए, अगर घड़ी की सुई पीछे किया जाए तो फिर भी आप ये फैसला नहीं लेती? रोशनी, आपके पापा जी को किए हुए वादे के लिए और उनकी जान बचाने के लिए आप यही फैसला लेती? पर ये देखिए, आपकी कला ने आपको हारने नहीं दिया, आप जीत गई। You won, look. रोशनी, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, लेकिन ये वक्त आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये पैसे हमें हॉस्पिटल में जमा करने हैं। हमने ये कॉम्पिटिशन हम बीच में कहां से आ गया? ये मेरी अकेले की लड़ाई और हाँ रोशनी, लेकिन एटलीस्ट मुझे आपको हॉस्पिटल ड्रॉप करने दो। नील भी आपके साथ नहीं है। नील साथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आपका साथ चाहिए। रोशनी, आकाश जी, मैं एक बहुत छोटे शहर करनाल से हूँ, यही रहूंगी हमेशा, यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। और आपको जाना है बहुत, मुंबई दिल्ली पता नहीं कहाँ कहाँ। आकाश जी, आपका ये एहसान तो मैं कभी नहीं चुका सकती, पर हमारा साथ यहीं तक का था, बस यहीं तक। जब खुद की किस्मत खोटी हो तो किसी और ने हथियार उठाने की क्या जरूरत है? ले, पकड़ अपने पैसे। ए, ये तेरे कान में चोट कैसे लग गई?